हेलो एवरीवन डिस्क्लेमर पढ़ें और फॉलो करें नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कॉस्वे कॉसवे कलवर्ट का भी छोटा रूप हम कहते हैं कॉसवे को तो यहाँ लिखा है कॉसवे आर आल्सो नोन एज आयरिश ब्रिज और डिप दीज आर यूज फॉर क्रॉसिंग ओवर रोड विच आर ऑफ माइनर इम्पोर्टेंस इन an important route in the beginning a causeway is constructed and when in due course of time traffic increases and held up by the stream then high level crossing or bridge are constructed thus causeway are temporary crossing crossing which in course of time will have to be replaced by permanent bridge causeway and submersible bridge are types of crossing which are used for minimizing the cost of the project but at the same time the requirement of the traffic are not ignored the causeway denotes a submersible road bridge across a stream which is designed and built in such a way that the normal dry weather flow of river passes entirely through the vent below the roadway and occasionally flood passes through the vent and over the roadway, thus entailing temporary movement of traffic. कॉसवे आर प्रोवाइडेड अंडर द फॉलोइंग सरकमस्टेंसेज वैन द डेप्थ ऑफ द वॉटर इन द स्ट्रीम इज़ वेरी स्मॉल एंड द सीजनल लेस वैन हैवी डिस्चार्ज इन स्ट्रीम ऑफ वाटर कोर्स कम ओनली फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन जनरली नॉट एक्सीडिंग ट्वेल्व आर्स एंड फंड इज़ नॉट एवेलेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल ब्रिजिस तो यहाँ पर हम कॉसवे की बात कर रहे हैं कॉसवे कलवर्ट से भी छोटा हम मानते हैं उसको तो कॉस वे में इस तरह से रहता है कि ये जैसे डायग्राम है कॉसवे में इस तरह से रहता है कि जो नदी है नदी का जो तल है उस पर ही उसको ही समतल बना के उससे ही ट्रैफिक जो है पास कराया जाता है तो इसमें जो पानी जो है वो रोड के ऊपर बहता रहता है फिर जब ये मतलब ऐसे रूट पे हम इसको बनाते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है या जिस पर कम ट्रैफिक आ रहा है या जिस पे जो नदी का जो पानी है वो कम बहाव से कम कम मात्रा में बहता है और जैसे हम देखेंगे पूरे साल में कभी रेन रेनी सीज़न में कभी ऐसा समय आएगा कि लगातार ज़्यादा मात्रा में पानी बहेगा तो वो जो समय रहेगा वो बारह घंटे से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए मतलब लगातार बारह घंटे से ज़्यादा पानी जो है उसके ऊपर से नहीं गुज़रना चाहिए यदि ऐसा हो रहा है और रास्ता जो है बारह घंटे से ज़्यादा के लिए रुका हुआ है तो हम क्या करेंगे फिर वहाँ पे कलवर्ट बनाएंगे कलवर्ट की भी रिक्वायरमेंट यदि वो रूट पूरा नहीं कर रहा है तो हम हाई लेवल ब्रिज बनाएंगे तो इस तरह से हम इनिशियली जो है कॉस वे बना देते हैं प्रोजेक्ट का कॉस्ट कम करने के लिए आगे दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट वे तीन तरह के रहते हैं फ्लश कॉस्ट लो लेवल पे हाई लेवल कॉस्ट फ्लश कॉस्ट में लिखा है इन दिस टाइप ऑफ कॉस्ट ओनली पेवमेंट इज डन इन द स्ट्रीम बेड एंड नो वेंट आर प्रोवाइडेड द स्ट्रीम वाटर फ्लो कंटिन्यूसली ओवर द फॉर्मली पेव बेड थ्रू आउट द ईयर समटाइम्स आर सी सी स्लैब is provided in the bed for giving smooth surface a curtain wall is provided on the downstream to protect the flooring the flush causeway are provided in hilly roads uh, when the maximum depth of water does not exceed 1.7 meter in flood and the total interruption does not exceed 15 days in the whole period of one year तो ये जो फ्लश कॉस है इसमें हमने क्या किया है कि जो नदी का जो रूट है यहाँ से रोड क्रॉस हो रही है वहाँ पे हम क्या करेंगे एक आर सी सी स्लैब बना देंगे और जो पानी जो है इस आर सी सी स्लैब के ऊपर से क्रॉस होगा और इसके जो डाउन स्ट्रीम है वहाँ पे हम स्टोन पिचिंग कर देंगे ताकि आर सी सी स्लैब को थोड़ा सपोर्ट मिल सके अनइम्पॉर्टेंट रूट में हम इसको बनाते हैं हिली रोड में हम इसको बनाते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि पूरे साल में मैक्स टू मैक्स पंद्रह दिन जो है ये रास्ता बंद रहेगा बाक़ी समय जो है ये रास्ता खुला रहेगा agla hai low level causeway in some stream the depth of water generally remains about 30 cm for most period of the year and the heavy discharge come only in the rainy season for a few hours only in such cases low level causeway are very useful for the traffic Small opening of about 30 to 35 centimeter is provided below the road, slabs so that the winter summer discharge can pass through the vent without disturbing the traffic. Thus, for most of the period, the traffic can pass over the causeway without any interruption. But in the monsoon time, just after rain, heavy discharge come which, which फ्लो ओवर द कास्वे एंड द ट्रैफिक कैन स्टे इन द रेस्ट हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन बोथ साइड फॉर दिस परपज वैन द फ्लड इज़ ओवर द ट्रैफिक स्टार्ट क्रॉसिंग द स्ट्रीम ठीक है तो ये अगला तरह का कॉस वे है लो लेवल क्रॉस वे इसका प्रयोग हम वहाँ उस स्ट्रीम पर करते हैं जहाँ पर पूरे साल भर जो है पानी का जो फ्लो है उसकी गहराई लगभग तीस सेंटीमीटर के लगभग चलती रहती है तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं वेंट देते हैं वेंट मतलब पाइप जैसे ही रहते हैं तो उससे क्या है कि अपस्ट्रीम से पानी डाउनस्ट्रीम में ट्रांसफ़र होता रहता है तो पूरे साल में तीस सेंटीमीटर तक जो है पानी के बहने की डेप्थ रहती है और तो ट्रेनी सीज़न में क्या है कुछ घंटों के लिए जो है पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो कुछ घंटों के लिए जो है पूरे साल में ट्रैफिक रुक जाता है तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कॉस्ट भी बचा रहे हैं और ट्रैफिक जो रिक्वायरमेंट है ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कर रहे हैं अगला तरह का कॉस्ट वे हाई लेवल कॉस्ट वे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ सम्मरसेबल ब्रिज दिस में भी डिफाइंड एज अ ब्रिज विच अलाउ नॉर्मल फ्लड टू पास थ्रू इट वेंट्स एंड हैवी फ्लड water to pass over it the submersible bridge are provided in following circumstances when the river has small width with straight reach when the floor is sandy but good soil is available at lower depth when the road is less important and the traffic is small when the duration of heavy flood does not exceed three days at a time and more than six times in a year. Figure shows the longitudinal section and the cross section of the submersible bridge. These may be constructed on firm, rocky, or loose soil bed. Thick cement concrete is first laid in the bed over the vent, over which vent of required section and shape are constructed. At the top of the vent opening, the arches or RCC slab is laid over uh, which over which traffic flows. Collapsible type of railing or small parapet wall are constructed on both sides of the road over the bridge. Stone pitching or concrete is laid in the downstream side of the bridge. The approaches are provided in at one in twenty gradient in cutting on both side of bridges, okay, and field high causeway cannot be provided on provincial or national highway due to inconvenience caused due to the traffic. The high level causeway are provided after careful checking the maximum highest flood level of about five to six years. अगला टाइप का जो कॉसवे है वो है हाई लेवल कॉसवे इसको हम सम्मर ब्रिज भी कहते हैं ये जो है नॉर्मल फ्लड जो है इससे पास हो जाता है हैवी फ्लड में क्या रहता है ये ब्रिज डूब जाता है तो ये हम तब देते हैं जब नदी की चौड़ाई कम हो कम इम्पॉर्टेंट हो कम ट्रैफिक हो और पूरे साल में जो है इसके डूबने की संभावना तीन दिन से ज़्यादा ना हो और एक साल में तीन दिन से ज़्यादा ना हो एक बार में और पूरे साल में तीन बार से ज़्यादा ना हो तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है इसमें हम क्या करते हैं इसको बनाने के लिए सबसे नीचे हम कंक्रीट का बेस देते हैं उसके नीचे हम आ, कंक्रीट का बेस देने के बाद हम वेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं ये यू शेप जो ये बनाए हैं इनको हम कहते हैं वेंट वेंट बनाने के बाद हम उसमें आर्चेस लगाते हैं ऊपर ये सेमी सर्कल है आर्चेस आर्चेस स्लैब रखते हैं कंक्रीट स्लैब और उसके ऊपर से ट्रैफिक जाता है इसमें जो रैलिंग है वो कोलेपसिबल रहती हैं ताकि जब फ्लड जब आता है तो ये रैलिंग हम हटा सकें ताकि पेड़ पौधे इसमें ना फंसें और एक बात और लिखिए यहाँ पे कॉस वे कभी भी नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे में हम नहीं देते हैं क्योंकि वहाँ पे फिर ऐसा हो जाएगा कि ट्रैफिक के कारण सॉरी फ्लडिंग के कारण वो ब्रिज डूब जाएगा और ट्रैफिक रुक जाएगा तो जो रोड कम इम्पोर्टेंट हैं वहाँ पे हम कॉसवे देते हैं जनरली हिली एरिया में हम देते हैं थैंक यू